नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीते जमाने की, जब एक दौर के सुपरस्टार कैसे धीरे धीरे अपना स्टारडम खोता चला गया और कैसे एक उभरता हुआ कलाकार उसकी स्टारडम को उनकी आंखों के सामने ही छीन लेता है। किस्सा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का है। बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन एक के बाद एक लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। तब राजेश खन्ना एक जमे जमाए सुपरस्टार थे। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि लड़कियां उनको खून से खत लिखा करती थी और उनकी तस्वीरों से ही शादी कर लेती थी। वे जहां भी जाते थे उनकी सफेद कार लड़कियों के लिपस्टिक के रंग से गुलाबी हो जाया करती थी। तो लड़कों में भी उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके जैसे हेयर स्टाइल और गुरु शर्ट उस दौर में फैशन का स्टेटमेंट बन गया था। फिल्म के निर्माता निर्देशक उनको साइन करने के लिए उनके घर पर डेरा जमाए बैठे रहते थे। यहां तक कि जब एक बार अपनी किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती हुए तो उसके आसपास के सारे कमरे फिल्म निर्माताओं ने बुक करवा लिए थे ताकि उनके ठीक होते ही वे अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर सके। उसी दौर में तब के मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को एक साथ फिल्म नमक हराम में साइन किया था। हालांकि इससे पहले वे दोनों को लेकर एक कालजयी फिल्म आनंद बना चुके थे जिसमें दोनों के अभिनय को लेकर खूब प्रशंसा मिली थी। हालांकि इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना मगर बहवाही लूट ले गए थे अमिताभ बच्चन। उनका इंटेंस अभिनय और डायलॉग डिलीवरी काबिले तारीफ था। हालांकि राजेश खन्ना के किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग दर्शकों के दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई थी कि उनके बोले गए डायलॉग बाबू वसाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं हर किसी के जुबान पर चढ़ गया था। आज भी जब कभी राजेश खन्ना का कहीं पर जिक्र होता है तो उनके इन डायलॉग्स का भी वहां जिक्र जरूर होता है। लेकिन फिल्म में अमिताभ द्वारा निभाए गए रोल का असर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इस फिल्म का प्रीमियर शो देखने के बाद ही फिल्म जर्नलिस्ट और उनकी खास दोस्त देवयानी चौबाल ने उन्हें बता दिया था कि अब कभी इस लंबू के साथ काम मत करना वह तुम्हें खा जाएगा। हालांकि आनंद के निर्माण के दौरान ही ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना को अपनी दो और फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। एक तो फिल्म थी नमक हराम और दूसरी फिल्म थी बावर्ची। नमक हराम में जहां राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन थे तो बावर्ची में जया भादुड़ी। फिल्म आनंद में अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस से राजेश खन्ना खुद को थोड़ी थोड़ी इनसिक्योर महसूस करने लगे थे और शायद वो भीतर ही भीतर अमिताभ बच्चन से जलने भी लगे थे। इस बात का एहसास फिल्म नमक हराम की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद लोगों को होने भी लगा था। फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई थी तब ऋषिकेश मुखर्जी ने दोनों में से किसी को भी फिल्म की कहानी नहीं बताई थी मगर किसी तरह से राजेश खन्ना यह पता करने में कामयाब हो गए थे कि फिल्म में अमिताभ बच्चन वाली किरदार की मौत हो जाती है। उस दौर में यह माना जाता था कि फिल्म में जिस किरदार की मौत हो जाती है दर्शकों की संवेदनाएं उसी के साथ जुड़ जाती है और इससे पहले राजेश खन्ना के किरदार की जिन फिल्मों में मौत हुई थी वे फिल्में उनके करियर के लिए यादगार फिल्में साबित हुई थी, मसलन सफर, आराधना और आनंद। इसी वजह से इस फिल्म में भी वे निर्देशक से अपने किरदार की मौत की डिमांड करने लगे और अपनी बात को मनवाने के लिए राजेश खन्ना अड़ गए। फिर राजेश खन्ना ठहरे सुपरस्टार, उनके ही दम पर फिल्म चलनी थी। हारकर निर्देशक को उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि जब तक ये सीन शूट नहीं हुआ था तब तक इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन को नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी उन्हें मिली वे एकदम से खफा हो गए। उनको लगा कि ये उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने फिल्म के निर्देशक से एकदम बातचीत बंद कर दी। उनको पूरा भरोसा था कि ये सब राजेश खन्ना के कहने पर ही किया गया है। हालांकि उनकी नाराजगी को देखते हुए निर्देशक ने भी अमिताभ बच्चन के रोल में बदलाव करते हुए उसे काफी दमदार बना दिया था। उनके रोल को बाद में ऐसा शेप दे दिया गया कि पब्लिक की सारी सिंपैथी, सारी संवेदनाएं राजेश खन्ना की तरफ ना होकर अमिताभ बच्चन के किरदार की तरफ हो जाता। वो कहते हैं ना कि स्टार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो होता है निर्देशक के हाथों की कठपुतली। उसके बताए निर्देश पर ही काम करके बड़ा सा बड़ा स्टार भी अपना करियर संवारता है और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाता है। हालांकि एक्टर की अभिनय क्षमता, उनकी अदाएं और डायलॉग डिलीवरी भी बहुत मायने रखती है किसी भी किरदार को मजबूत बनाने और फिल्म को हिट करने के लिए, और यही बात अमिताभ बच्चन पर भी लागू है। उन्होंने
उन्होंने तब के राजेश खन्ना कैंप के सभी हिट निर्माता निर्देशक फिल्म के राइटर डायलॉग राइटर सभी को अपनी इन्हीं खूबियों के बदौलत एक एक करके अपने पाले में करते चले गए, या यूं कहें कि खुद राजेश खन्ना की लापरवाहियों और उनके नखरों ने उनसे उनकी टीम से अलग कर दिया, जो एक वक्त राजेश खन्ना को एक से बढ़कर एक फिल्म दिया करते थे। इनमें अहम दो नाम है, एक तो निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा और दूसरे हैं लेखक द्वय सलीम जावेद। सबसे पहले बात करते हैं यश चोपड़ा की, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ तब फिल्म बनाई थी जब वे अपने भाई बीआर चोपड़ा से अलग होकर अपने आप को स्थापित करने की जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे मौके पर जब यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना के पास फिल्म दाग का प्रस्ताव लेकर के आए तो राजेश खन्ना ने यह नहीं देखा कि यह कोई नया निर्देशक है, इसका कोई नाम नहीं है, एकदम से स्टोरी सुनते ही फिल्म को हाँ कह दी थी। फिल्म बनकर तैयार हुई तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और फिर यश चोपड़ा की एक अपनी एक अलग पहचान बन गई। लेकिन इस फिल्म के बाद फिर उन्होंने काफी लंबे समय तक राजेश खन्ना के साथ कोई काम नहीं किया। बाद के दिनों में जब राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में थे तब उन्होंने एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाई थी विजय, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना को भी एक छोटा सा मामूली सा रोल दिया था। ये वही यश चोपड़ा थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर उनके करियर के शुरुआती दिनों में फिल्म दीवार बनाई थी और वो फिल्म अमिताभ के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद तो यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला, मोहब्बतें जैसी कई फिल्में बनाई और अमिताभ के करियर को एक नया शेप देते रहे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यश चोपड़ा रोमांटिक फिल्मों के बादशाह थे, लेकिन राजेश खन्ना भी इसी इमेज के सितारे थे। रोमांटिक फिल्में ही उनका मेन जोनर था, लेकिन यश चोपड़ा ने उनके साथ फिल्में नहीं बनाई। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। राजेश खन्ना के उन दिनों इतने टेंट्रम्स थे कि हर कोई जो उनके साथ होता था अगर वो जरा भी गैरतमंद होता था तो राजेश खन्ना से किनारा कर लेता था। उनके नखरों को झेलना सबके बस की बात नहीं थी। उस समय पर राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद में महफिलों का दौर चलता था और निर्माता निर्देशकों के साथ साथ उनके कई साथी कलाकार और कुछ उनके चमचे हमेशा उनके महफिलों की शोभा बढ़ाया करते थे। देर रात तक पार्टियां चलती रहती थी, रात 3 बजे तक या और कभी कभी भोर 4 बजे तक महफिलों का दौर चलता रहता था। जाम पे जाम गटकाए जाते थे। इसका असर यह होता था कि राजेश खन्ना हर रोज शूटिंग पर लेट पहुंचते थे। निर्माता निर्देशक मन महसूस कर उनकी इन हरकतों को बर्दाश्त करते रहते थे। हालांकि वो दौर ही कुछ ऐसा था कि राजेश खन्ना जिस भी फिल्म को हाथ लगा देते थे वो सोना हो जाता था। फिल्म की कहानी तय हो ना हो, बाकी कलाकार निर्देशक सब बाद में तय होता था। पहले फिल्म के निर्माता राजेश खन्ना को साइन करने के लिए दौड़ते थे। एक बार अगर फिल्म के निर्माता उनको साइन करने में कामयाब हो जाता था तो फिल्म पहले ही बिक जाती थी, बाद में जो आता था वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता था। तो ये रुतबा था राजेश खन्ना का। तो हम बात कर रहे थे राजेश खन्ना के टेंट्रम्स की, उनके नखरों की, उनके मूड्स का। उस दौर में हालत ये था कि अगर राजेश खन्ना का मूड खराब हो जाता था तो वो शूटिंग कैंसिल कर देते थे। इससे फिल्म निर्माताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, साथ ही कलाकारों को भी डेट्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, फिल्म का शेड्यूल पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता था। उस दौर में उनके रुतबे का आलम यह था कि राजेश खन्ना को अगर कहीं बाहर जाना पड़ता था तो निर्माता निर्देशक उनको छोड़ने के लिए हवाई अड्डे तक जाते थे और जब वे वापस आते थे तो वही लोग हवाई अड्डे पर हाथ बांधे खड़े उनका इंतजार करते थे। तो ये सारे टेंट्रम्स थे जिसको लेकर के राजेश खन्ना काफी बदनाम भी हो गए थे उस वक्त में। अब बात करते हैं सलीम जावेद के बारे में। हालांकि उनके ऊपर भी राजेश खन्ना का करियर बर्बाद करने का कई बार आरोप लगाया गया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या तो वे लेखक द्वय ही जानते हैं या फिर स्वर्गीय राजेश खन्ना। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर के अमिताभ बच्चन के लिए ऐसे मजबूत किरदार लिखे कि राजेश खन्ना की चमक फीकी पड़ती चली गई और अमिताभ फिल्म दर फिल्म सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। हालांकि सलीम जावेद को फिल्म इंडस्ट्री में सही मायने में इंट्रोड्यूस कराने का काम राजेश खन्ना ने ही किया था। उन्होंने ही फिल्म हाथी मेरे साथी के निर्माता निर्देशक से इनको एज ए राइटर लेने की सलाह दी थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। उसके बाद से सलीम जावेद ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि इससे पहले सलीम जावेद निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी की फिल्म के लिए काम कर चुके थे, मगर इस फिल्म से उनकी पहचान नहीं बन पाई थी। फिर यही सलीम जावेद जब फिल्म दीवार की पटकथा लिख रहे थे तो उनके दिलो दिमाग में उनके मेन किरदार के लिए
सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही नाम था। उसके बाद सलीम जावेद ने जितनी भी सारी फिल्में लिखी उन सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर ऐसे लिखा जैसे कि उनका एक जो यंगरी यंग मैन का जो इमेज था वो और दिन ब दिन मजबूत होता चला गया। उस दौर में जहां राजेश खन्ना अपने उन्हीं तमाम लटके झटकों से लोगों को स्क्रीन पर रिझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में देकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। इधर अमिताभ बच्चन का सूरज उग रहा था तो उधर राजेश खन्ना का सूरज लगातार ढल रहा था, और ढलते ढलते एक दौर ऐसा भी आया कि उनका सूरज एकदम से ही दिखाई पड़ना बंद हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन भी खुद को बाद में रिपीट करते हुए नहीं देखे गए। उन्होंने वही एंग्री मैन का रोल अपनी 25वीं फिल्मों में किया है, लेकिन उसके साथ ही वे फाइट, डांस और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाते थे कि दर्शक उनको दिलो जान से चाहने लगे थे। हालांकि बाद में उम्र बढ़ने के साथ साथ अमिताभ ने भी खुद को बदला और कैरेक्टर रोल करने लगे, और वैसे रोल में भी वो छा जाते थे, चाहे मोहब्बते का कड़क प्रिंसिपल हो या फिर बागवान का लाचार और मजबूर पिता, हर रोल में वो जान फूंक देते थे। उनमें जो वर्सिटैलिटी है वो राजेश खन्ना में नहीं थी। हालांकि थोड़े समय के लिए एक बार फिर से जब 1983 में उनकी फिल्म अवतार और फिल्म सौतन हिट हुई थी तो एक बार फिर से ऐसा लगने लगा था कि राजेश खन्ना का दौर एक बार फिर से आ गया है, लेकिन ये चमत्कार भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका और महज 7-8 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं। उनकी ताजा फिल्म कल्कि 2898 AD इसी बात की उदाहरण है, और कौन बनेगा करोड़पति सीरियल भी उनकी पूरी सेकेंड पारी को दिशा और दशा देने में अहम भूमिका निभा रहा। तो ये रही कहानी अमिताभ और राजेश खन्ना की राइवलरी की। हालांकि राजेश खन्ना में भी तमाम खूबियां हैं, और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है, जिस पर फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, चलते चलते आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।